नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में कुत्ता काटे के इंजेक्शन में कालाबाजारी का मामला सामने आया है। आरोप है 100 रुपए से लेकर 200 रुपए में एंटी रेबीज को लगाया जा रहा है, जिसको लेकर सैकड़ों मरीज तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया है। ये भीड़ का नजारा दरअसल सरकारी अस्पताल का है। आपको बता दें, कुत्ता काटे के इंजेक्शन को लेकर यहां मारामारी हो रही है। आरोप है अस्पताल स्टॉक में एंटी रेबीज न होने का चस्पा कर दिया है। इसके बाद इंजेक्शनों को धड़ल्ले से कालाबाजारी की जा रही है। अस्पताल स्टाफ ने भी इसका आरोप लगाया है कि 100 से 200 रुपए में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया जा रहा है, न देने पर स्टॉक नहीं बताया जा रहा है। इसी को लेकर आज सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा किया है। देखें स्पेशल रिपोर्ट ऋषि पंडित के साथ। एक काम करो, एक लड़का और आया दो अभी। और क्या दे गए ना, तो खुले ले लिया। ये जो 100 पकड़ो, ये 100 ले लो, ये 100 आएगा तुम्हें, ठीक है। पिंकी, क्या आप यहाँ पे क्यों आई थी, क्या बात? मेरा बच्चा खा लिया था कुत्ते ने, तो इंजेक्शन लगवाने आई थी। जो बोले थे 150 रुपए में इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन खत्म हो चुके हैं। उनने मेरे सामने लगाया था इंजेक्शन, मैं बोली थी आपको धरा इंजेक्शन, लेकिन नहीं धरा है, प्राइवेट मंगा रहे हैं। तो मैं बोली थी, फिर बोली 150 रुपए में लगाएंगे हम। मैंने कहा हमें 100 रुपए, तो 100 रुपए दो इंजेक्शन लगवाओ। फिर हमसे दोनों के बच्चे के लगा दिया था 200 रुपए में, मैं देने वाली थी, तो भैया ने इंजेक्शन, मैंने इंजेक्शन ले लिया था। जी नाया मानवीर सिंह नाम है मेरा। ये इंजेक्शन लगा रही थी सरकारी से 150 रुपए लेकर के, और आम जनता के लिए इंजेक्शन नहीं है इनके पास। पैसा दे के ये लोग, पैसा देने के बाद इंजेक्शन है और बगैर इंजेक्शन नहीं है। इन बच्चों को जहर फैल जाए, बच्चा मर जाए, कौन जिम्मेदार होगा? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है इसका? तो कर्मचारी नहीं है अस्पताल की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्या यादव है, मैं आना से हूँ। और मेरा बेटा भी कुत्ते ने काट लिया, एक हफ्ते से ज्यादा मैं भेज रही हूँ, पड़े भेज रही हूँ यहाँ कि जाओ बेटा इंजेक्शन लगवा लो। और मुझे रोजाना यही सुनने के लिए मिल रहा है कि इंजेक्शन है ही नहीं, तो मुझे आज आना पड़ा। मैंने कि इंजेक्शन है नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे आते आते यहाँ बहुत सारी महिला बोल रही है कि ये पैसे लेके इंजेक्शन लगा रही है। और हमने महिलाओं के हाथ में पैसे भी देखे हैं और इंजेक्शन भी देखा है। यहाँ पे जो स्टाफ लेडीज हैं उनके हाथ में इंजेक्शन भी देखा है, पैसा लेकर के इंजेक्शन, पैसे लेके 150-150 रुपए लेके, और जो पेशेंट लोग हैं उनसे 150-150 रुपए लेके इंजेक्शन लगा रहे हैं। और बहुत लोग आज लगवा के भी चले गए।